इसका बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है इसका तो आप आई बटन पे, अगर लास्ट में जीरो हो अथवा पांच हो, अगर लास्ट में जीरो या पांच बाधित होगी, जैसे दिया हुआ 1050 105 से विभाज्यता का नियम, 9 से और 5 से, 9 और 5 से बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन और पूछेगा और कह देगा कि वह संख्या तो 11 से विभाजित हो रही है या तो 9 से पूर्णतः विभाजित है, जब इसका पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक उधर जाके ऋणात्मक। इन दोस्तों शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के इस क्लास को डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2 के साथ में। हम आशा करते हैं आपको पार्ट वन वीडियो इसका बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है इसका तो आप आई बटन पे क्लिक करके इसका पार्ट वन वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं पांच से। पांच से हम कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं होती, तो इसका सिंपल सा रूल है कि लास्ट में, अगर लास्ट में जीरो हो अथवा पांच हो, अगर लास्ट में जीरो या पांच में से कोई एक नंबर दिया हो तो पूरी संख्या पांच से डिवाइड होगी। कहने का मतलब लास्ट में अगर जीरो है या पांच है, इसमें से कोई सी भी एक नंबर दिया हुआ दोनों में से, तो पूरी संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे दिया हुआ 1050 115, तो यह दोनों संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे पांच से काटेंगे तो पांच दुना दस, पांच एक कम पांच, पांच जीरो में, ठीक है, ये कट गई। ऐसे इसको पांच से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पांच दुना दस, यहाँ पे एक कैरी एक हासिल हुआ, पंद्रह हुआ, पांच तिया पंद्रह, तो इस तरीके से पूरी कट गई। तो इसके बाद हम सीखते हैं 11। 11 से देखिए, यह अक्सर पूछा जाता है 11 से हो गया और 3 और 9 से, इस कंपटीशन लेवल में इन तीनों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, 3 या 9 से, यानी 9 और 11 के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं। इनसे पूछा जाता है कि जैसे एक संख्या दी जाएगी उसमें से एक नंबर मिसिंग कर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा वो मिसिंग नंबर है कौन, और दे दिया जाएगा कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऐसी संख्या बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसका सिंपल सा नियम है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि 11 का जो होता है कि लास्ट से दो जोड़े को, लास्ट में जो संख्या दी हुई है लास्ट से आप उठाएंगे दो जोड़े को, पहले आपस में घटा लेंगे, लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे आपस में घटा लेंगे, उसके बाद क्या घटाकर जोड़ने पर फिर घटाकर उनको जोड़ देंगे आपस में, तो उनका जो है इक्वल कितना आना चाहिए, या तो 11 के बराबर होना चाहिए या तो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक के बराबर आ रहा है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। कहने का मतलब कि कोई भी संख्या दी हुई है तो उसके लास्ट से आप स्टार्ट करोगे और लास्ट से पहले घटाओगे आपस में दो जोड़े को, आपस में घटा दोगे, फिर जो आएगा उनका उन सभी को ऐड कर दोगे, और जोड़ने पे अगर 11 आता है या तो 0 के बराबर आता है तो पूरी संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम चेक करते हैं कि एक नंबर दिया हुआ है कि 1331, यह एक नंबर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित होती है अथवा नहीं, तो हमने कहा कि लास्ट से दो जोड़े को, मतलब ये रहे दो जोड़े, ये दो जोड़े हो गए, ठीक है, तो इन जोड़ों घटाना है, मतलब पहले 1-3 करो, 1-3 किए आप, कितना आ गया 2 आ गया पहले लास्ट जोड़े को, फिर दूसरे जोड़े को हमने क्या 3-1 किया, कितना आ गया 2 आ गया, देखो 1-3 किया तो -2 आया, ठीक है, 1-3 करेंगे वो एक में से 3 जाएगा तो -2 आ गया, 3-1 किए तो 2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि इसको घटा लिए आप, इसके बाद आप क्या करोगे, इनको जोड़ देना है, तो आप इनको जोड़ दो। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की इस क्लास को डिविजिबिलिटी रूल के पार्ट 2 वीडियो से। आशा करते हैं आपको पार्ट वन वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपने पार्ट वन वीडियो इसका नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पार्ट टू को पांच से। हम कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि कोई भी संख्या जो दी हुई है और उसको चेक करना है कि पांच से पूर्णतः विभाजित होती है अथवा नहीं होती, तो आपको क्या करना है कि लास्ट में आप चेक करोगे कि लास्ट में जीरो हो या पांच हो, लास्ट में जीरो या पांच होगा तो वह संख्या पूर्णतः पांच से विभाजित होगी। कहने का मतलब अगर किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो हो या तो पांच हो तो पूरी संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब जैसे कोई संख्या दी हुई है 1050 है, 115 है, इसके लास्ट में जीरो है, इसके लास्ट में पांच है, तो हम कह सकते हैं पूर्णतः विभाजित होगी। चेक भी कर लेते हैं, पांच से डिवाइड करेंगे तो पांच दुना में दस, और पांच एक कम पांच, और जीरो का जीरो हो गया, ठीक है, इसका हो गया पूरी कट गई। इसको करेंगे पांच से तो पांच दुना दस, यहाँ एक पंद्रह, पांच तीन पंद्रह, ये भी कट गई, ठीक है। तो इस तरह के हम सीख चुके पांच से कैसे चेक करेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है 11।
देखिए कंपटीशन लेवल में बहुत बार पूछा जा चुका है तीन से विभाज्यता का नियम, नौ से और पांच से, नौ और पांच से बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि क्वेश्चन दिया रहता है उसमें एक नंबर मिसिंग कर देता है, एक संख्या दी होगी उसमें से एक नंबर मिसिंग कर देगा और पूछेगा और कह देगा कि वह संख्या या तो 11 से विभाजित हो रही है या तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसका सिंपल सा रूल है कि 11 के लिए आपको क्या करना है, लास्ट से दो जोड़े को घटाकर जोड़ने पर जो उसका आंसर आना चाहिए, उसके इक्वल में आना चाहिए, वह 11 या तो 0 के बराबर हो तो वह संख्या पूर्णतः जो है 11 से डिवाइड होगी। कहने का मतलब आप जो भी संख्या दी हुई है उसके लास्ट के दो जोड़े को आपस में घटा दें, उसके बाद जो भी आ रहा है उसको आपस में जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर उसका इक्वल 11 या तो 0 के बराबर आता है तो पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम कि एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि दिया है 13 31, पूछ रहा है क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, लास्ट से दो जोड़े को देखिए, दो जोड़े इसका क्या है, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है, इन दो जोड़े को आपस में माइनस करना है, मतलब पहला दिया है 1 - 3, अगर एक में से तीन माइनस करेंगे, एक में से देखो तीन में से एक नहीं माइनस करना है, एक में से तीन माइनस करेंगे तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए -2 आएगा, कितना आएगा -2 आएगा, और वन एक है तीन, ठीक है, 3 - 1, देखो इस जोड़े में 3 - 1 लास्ट से करना है माइनस, तो तीन में से एक जाएगा कितना बचेगा 2, ठीक है, अब इतना आ गया। फिर क्या कहा गया है कि घटाकर जोड़ने पर उसका जो आ रहा है इन दोनों को जोड़ दो, तो हम जोड़ते हैं -2 + 2, अब बताओ कितना होगा, 2 में से 2 जाएगा 0, कहने का मतलब यह 0 के बराबर आ गया, तो 0 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ने अभी एक एग्जाम्पल देखा, देखिए कंपटीशन लेवल में अगर यही एग्जाम्पल पूछना हो तो ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि 11 से विभाजित हो रहा है चेक करना, ऐसे नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कि x का मान बताओ, x का मान कैसे बताना होता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि 1 3 x 1, कहेगा कि यह जो नंबर है 11 से पूर्णतः विभाजित होती है तो x का मान बताओ कितना आएगा, चार ऑप्शन देगा और पूछ लेगा, ठीक है, तो आप नॉर्मली कैसे करोगे, हमने क्या कहा सिंपली यही रूल फॉलो करना है, आप फॉलो किए, क्या करेंगे पहले 1 - x करेंगे, दो जोड़े हैं इसमें, 1 - x आप किए, ठीक है, 1 - x ये पहला हो गया, और हम फिर क्या करना है इसको भी माइनस करके इसमें जोड़ देना है, आप इसमें प्लस कर रहे हैं, कितना माइनस करेंगे 3 - 1, ठीक है, और दूसरी बात आप यहाँ पे क्या कैसे पता चलेगा आपको कि 11 आएगा इक्वल या 0 आएगा, तो यहाँ पे एक ही नंबर होगा, जब एक नंबर होगा तो 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है एक ही नंबर होगा, ठीक है, तो इक्वल करेंगे आप 0, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो है आप करोगे 1 - x + 3 - 1 गया कितना बच गया 2 = 0, ठीक है, अब 2 है ए माइनस एक्स है, 2 है और ए माइनस एक्स है, ठीक है, तो 2 - 1 = 3, अब -x + 3 = 0, 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव है, जब इसका पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा धनात्मक, उधर जाके ऋणात्मक हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो -x = -3, इधर प्लस था उधर जाके -3 हो गया, अब देखिए ये माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, x = 3 होना चाहिए, देखिए ये 3 यहाँ पे आ गया, तो ऐसे ही नॉर्मली आप सॉल्व करोगे और 10 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो बहुत ही नॉर्मल तरीके से इस कंसेप्ट से। आशा करते हैं आपको 5 और 11 से विभाजकता का नियम पूर्णतः समझ में आ चुका होगा।